हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी बोर्ड। और चलिए आज इस रिवर्स लॉक्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये आपके कंक्लूजन दिया है और ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट्स के सेट्स में से बताना है कौन सा सेट से ये दोनों कंक्लूजन सही होंगे, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे आज के कंक्लूजन है ऑल वाटर्स आर जूसेस और सम जूसेस आर नॉट लिक्विड्स, ठीक है। तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है, या तो मैं इसका निगेटिव स्टेटमेंट कहीं पर दिया हो, ठीक है ना, तो वो वाले स्टेटमेंट का सेट सही नहीं होगा। जैसे ऑल वाटर्स आर जूसेस है, तो अगर कहीं पे नो वाटर इज जूस लिखा है या फिर सम वाटर इज नॉट जूस लिखा है, ठीक है ना, या तो ऐसा कुछ मिल जाए या फिर, है ना, या फिर ऑल वाटर आर जूसेस को करने के लिए मुझे एक चीज़ देखना है कि अगर कहीं पे ऑल वाटर इज जूस दिया है डायरेक्ट तभी ये सही होगा, या फिर मैं कहूँ ऑल वाटर इज समथिंग एल्स एंड समथिंग ये जो भी है वो ऑल जूस में आए, समझ रहे हो ना। मतलब ये वाटर अगर किसी चीज़ के अंदर आ रहा है, मतलब मैंने मान लिया ऑल वाटर आर एक्स एंड ऑल एक्स आर जूस, तभी ये सही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सही होने नहीं वाला, क्योंकि ऑल वाटर और जूस तभी हो सकता है जब डायरेक्ट वाटर को जूस के अंदर कर दे, ठीक है, या वाटर को किसी और चीज़ के अंदर करें और उसको जूस के अंदर कर दे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होगी तभी ये कंक्लूजन सही होगा। हमारा दूसरा कंक्लूजन है सम जूसेज आर नॉट लिक्विड्स, ठीक है, सम जूसेज आर नॉट लिक्विड्स। तो इसका निगेटिव स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊँ तो हो जाएगा ऑल जूसेज आर लिक्विड, ठीक है, या फिर कहीं पर लिखा हो सम जूस आर लिक्विड्स, ठीक है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बोल रहा है सम वाटर आर मिल्क, सम मिल्क आर जूस, नो लिक्विड इज मिल्क, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे कोई निगेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं मिल रहा, मतलब वाटर और जूस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है और जूस और लिक्विड के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ ऑल वाटर को जूस बनाने के लिए। तो देखो कोई वाटर का कुछ पार्ट मिल्क में बोला है, मिल्क का कुछ पार्ट जूस में बोला है, ठीक है ना। तो वाटर का मिल्क से सम का रिलेशन, मिल्क का जूस से सम का रिलेशन, तो कब वाटर पूरा जूस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब 100% आना चाहिए। तो जो वाटर है यहाँ पे सम और सम का रिलेशन है, तो ये वाटर पूरा का पूरा जूस के अंदर नहीं आएगा इसमें। तो मैं पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत कर दे रहा हूँ, इसको चेक नहीं करूँगा। अगला मैं अपना स्टेटमेंट देख रहा हूँ, बोल रहा है ऑल जूसेज आर मिल्क, ठीक है ना, जूस पूरा मिल्क के अंदर आ रहा है और सम मिल्क्स आर वाटर, ठीक है। तो अगर मैं जूस और वाटर के बीच में रिलेशन देखूं तो ऑल जूस आर मिल्क बोल रहा है एंड सम मिल्क आर जूस बोल रहा है। तो देखो इसमें भी वाटर जो है पूरा वो जूस के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये एंड वाला आपका ऑल जूस आर मिल्क, सम मिल्क आर वाटर, सम मिल्क आर ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो है वो पूरा जूस के अंदर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी चेक नहीं करूँगा। मैं थर्ड देखता हूँ ऑल वाटर आर मिल्क, वाटर पूरा मिल्क है एंड सम मिल्क आर जूस, ठीक है ना, मिल्क के सम पार्ट को जूस कर दिया है, मतलब ऑल वाटर्स आर मिल्क एंड सम मिल्क आर जूस, तो सम मिल्क आर जूस कर दिया है। तो अगेन देखो वाटर पूरा जूस के अंदर नहीं आएगा यहाँ पे भी, तो थर्ड ऑप्शन भी चेक नहीं करूँगा। मैं फोर्थ ऑप्शन देख लेता हूँ, बोल रहा है ऑल वाटर्स आर मिल्क एंड ऑल मिल्क आर जूस। देखो अब यहाँ पे कर दिया है कि वाटर जो है पूरा मिल्क के अंदर है और मिल्क जो है पूरा जूस के अंदर है, मतलब इनडायरेक्टली वाटर जो है वो पूरा जूस के अंदर हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है भाई, है ना। मैं फिफ्थ ऑप्शन देखता हूँ ऑल वाटर्स आर मिल्क एंड ऑल मिल्क्स आर जूस, तो मेरा फिफ्थ ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में पहला कंक्लूजन सही रहेगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा कंक्लूजन को देखते हैं, अगर ये दूसरा कंक्लूजन किसी एक में गलत हो जाता है तो वो ऑप्शन, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दूसरे स्टेटमेंट में जूस और लिक्विड के बीच में रिलेशन बनाना है, तो देखो यहाँ जूस और लिक्विड के बीच में रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, सम का, हमने कहा था अगर सम जूस और लिक्विड है, सम लिक्विड और जूस है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब फिफ्थ वाले में गलत है, ठीक है। इसको एक तरीके से और कह सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है सम जूसेज आर नॉट लिक्विड, मतलब जूस का कुछ पार्ट है जो लिक्विड में नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब एक निगेटिव स्टेटमेंट तो पूरे सेंटेंस में होना चाहिए तभी ये सही होगा ना, अगर डेफिनेट तभी होगा। और यहाँ पे देखो हमारा सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो सम नॉट का रिलेशन आता ही नहीं भैया, अगर ये सारे ऑल में हों चाहे सम में हों, है ना, तो सम नॉट का रिलेशन किसी में डेफिनेट होता ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न था जिससे फिफ्थ ऑप्शन में चेक नहीं करूँगा और ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ के एक बार चेक भी करते हैं, ऑल वाटर्स आर मिल्क, मतलब ऑल वाटर्स आर मिल्क बोल रहा है, ऑल मिल्क आर जूस, ऑल मिल्क आर जूस,
ठीक है, फिर बोला नो लिक्विड इज़ मिल्क, नो लिक्विड इज़ मिल्क, ठीक है ना, तो लिक्विड को मिल्क से नो का रिलेशन में कर दिया है, ठीक है ना, नो लिक्विड इज़ मिल्क, ठीक है। हमारा पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल वाटर इज जूस, ये तो सही हो रहा है। हमारा दूसरा कंक्लूजन है, सम जूसेज आर नॉट लिक्विड्स, तो भैया सम जूस आर नॉट लिक्विड, ये सही हो रहा है क्योंकि जूस का ये वाला पार्ट है जो मिल्क में है, ठीक है ना, वो कभी लिक्विड नहीं होगा क्योंकि मिल्क का लिक्विड से नो का रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फोर्थ, फोर्थ वाले स्टेटमेंट का सेट सही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो आई होप यू लाइक द सोल्यूशन, थैंक यू।